के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पे एक दिन पहले आ जाती है, सदन के शुरू होने के एक दिन पहले, और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। जब परिस्थितियां बहुत संदेह और संशय से भरी हों तो आप उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो घटना मणिपुर की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी मर्माहत हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है, कार्रवाई का आग्रह किया है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देश में जागृति फैलाने की बात की है। मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ की भी का भी जिक्र किया उन्होंने। हम इस पर बहस चाहते थे लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में। ये हमारे लिए गंभीर विषय है, होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार देश की बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। वी वुड लाइक टू रिइटरेट विथ फुल एश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट ऑफ श्री नरेंद्र मोदी इज फुल्ली अलाइव टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमन ऑफ इंडिया हु मे बी इन एनी स्टेट रूल्ड बाय एनी पार्टी। किसी प्रदेश में हो लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आज ये बहुत पीड़ा की बात है कि जब भाजपा की ओर से राज्यसभा में पीयूष गोयल जी और लोकसभा में प्रहलाद जी ने साफ साफ कहा था कि हम इस मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, एक सर्वानुमति जाति तो उससे वहां की संवेदनशीलता को सामान्य करने में और मदद मिलती कि पूरी संसद एक स्वर में बोल रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह उस मामले को इतना सख्ती से अपनी आवाज दी तो उस पर तो एक देश में एक साझेदारी का संकेत जाना चाहिए था ना, कि पूरी संसद एक है, पूरा देश एक है। इसका कितना पॉजिटिव मैसेज जाता मणिपुर में आप समझ सकते हैं। लेकिन बहस किस रूल में बहस की जाए, यह बहुत पीड़ादायक है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नॉर्थ ईस्ट देश के नजदीक आया है ना, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए, उनके सारे मंत्री 400 बार नॉर्थ ईस्ट गए। कई प्रदेशों में भाजपा को बार बार जिताया गया है और नॉर्थ ईस्ट की अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है, और किस तरह से वहां विकास के काम हो रहे हैं आप भी जानते हैं। और मनमोहन सिंह 10 साल तक राज्यसभा में थे या 20 साल तक आसाम से थे, वहां क्या हुआ छोड़ दीजिए, उस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन आज मुझे कांग्रेस पार्टी से, भाजपा के राष्ट्रीय मंच से सवाल जरूर पूछना है कि आप चाहते क्या हैं? संसद में सार्थक बहस चाहते हैं या रूल पर अपना ईगो चाहते हैं? The BJP would like to ask from the Congress party as to what is your approach on sensitive issues. You want a genuine discussion or you want your ego to be massaged on the rules under which discussion will take place? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हम सबों का यह पूरा मानस था कि अगर यह बहस शुरू होती तो पूरे सदन में एक समझदारी बनती, साझेदारी बनती, एक सामूहिकता के भाव से एक बहुत ही सार्थक रचनात्मक संदेश मणिपुर में जाता और वहां की महिलाओं और बेटियों को ले जाता, उससे मदद मिलती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें,
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।